अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, इन मॉडल की मैंने आपको पहले मेहंदी लुक दिखाई थी प्रॉपर वीडियो बना के, और अब इनका हम ब्राइडल कर रहे हैं। और एज़ यू नो, स्टार पे मैंने इनकी आईलिड पर आइवरी बेस लगाई थी। लाइक कोई भी आपके पास फाउंडेशन है, लिक्विड आपके पास, स्टिक है आपके पास, कंसीलर है, लेकिन आपने फेयर टोन में लगाना है, ठीक है? और इसकी रीज़न ये होती है कि उस पर आपके शेडो से ही इन्हेंस होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमारी आईलेट बहुत अच्छे से सेट हो गई है। मैंने यहाँ पर क्राइलॉन की 1W अप्लाई की थी आईलेट के ऊपर, उसके बाद मैंने एक्वा का गोल्ड कलर लिया और उसको हल्का हल्का पूरी आईलेट के ऊपर टैप कर दिया, क्योंकि उससे ना बड़े क्रीमी से टेक्सचर बन जाता है, बड़े सॉफ्ट से और क्रीमी से शेडोज़ लगते हैं। जब मैं कंसीलर और लिक्विड बेस लगाती हूँ तब मैं ऊपर पाउडर कर लेती हूँ, कोई सा भी ट्रांसलूसेंट पाउडर, और जब मैं स्टिक लगाती हूँ तो फिर मैं ऊपर एक्वा का गोल्ड कलर ही देती हूँ। आई पी सेट करने के बाद मैंने मॉर्फी की पैलेट से लाइटर ब्राउन शेडोज़, जो कि 3 से 4 शेडोज़ मैंने इकट्ठे उठाए और उनको मैंने मिक्स करके थ्रू आउट द लिड अप्लाई कर दिए, क्योंकि हमने शेडोज़ लाइटर रखने थे, क्योंकि उसके ऊपर मैंने पिगमेंट्स यूज़ किए हैं और हमें बहुत सॉफ्टर सी एलिगेंट सी लुक क्रिएट करनी थी। मैंने कोई हैवी शेडोज़ अप्लाई नहीं किए इस पर, ना कोई मैंने क्रीज इन्हेंस की है, ना मुझे आउटर कॉर्नर सेट करने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि बड़ी लाइटर सी एक लुक क्रिएट करनी थी। जैसे आप देख रहे हैं कि बड़े लाइट लाइट से शेडोज़ मैंने अप्लाई किए हैं। जब मेरे शेडोज़ कंप्लीट हो गए, मैंने निक्स की ग्लू ऐड की है और इसके बाद मैंने आइकॉनिक के ग्लिटर्स अप्लाई किए थे लिड पे। ब्लेंडिंग हो गई हमारी कंप्लीट ऑलमोस्ट। इसके बाद मैंने यूज़ किया है इनग्लॉट का लाइनर, और लाइनर को लगाने के बाद मैंने इसको हल्का सा स्मच किया। फिर मैंने यूज़ की है निक्स की ग्लू और इसके बाद मैंने ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सी सॉफ्ट आई मेकअप लुक एक क्रिएट हो गई है। बेसिकली चंक्स लगाने के बाद भी इतनी हैवी लुक नहीं आई, क्योंकि मैंने नीचे आई शेडोज़ बहुत लाइट रखे थे। और इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़ किया फेस को, और उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया। वैसे तो मेरी मॉडल की स्किन बहुत साफ थी, लेकिन फिर भी स्किन प्रेप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद मैंने बेस एप्लीकेशन की, और बेस मैंने यूज़ की है नार्स की, जो कि 2 टोन्स में मैंने यूज़ की है, लाइट एंड डार्क मिक्स करके। सम टाइम कमेंट्स में भी लोग ये पूछ रहे होते हैं जी कि बेस हम एप्लीकेशन ब्रशेस के साथ करें या स्पंजेस के साथ करें, और स्पंज को वेट करके करें या ड्राई फॉर्म में करें। तो आई थिंक डिपेंड करता है कि जिस चीज़ पे आपका हाथ ज़्यादा बैठा हुआ हो वही सूटेबल होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि स्पंज जो होते हैं वो पी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं लिक्विड बेसिस। तो अगर स्पंज की क्वालिटी अच्छी है तो आई थिंक आई प्रेफर स्पंजेस, और समटाइम ब्रशेस के साथ भी लोग बहुत अच्छी फ्लॉलेस बेस बना लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर आपका हाथ अच्छा बैठा हुआ हो। और रही बात स्पंज को वेट करने की या ड्राई करने की, तो जैसे गर्मी का बहुत स्वेटी वाला सीज़न है, स्वेटिंग हो जाती है, तो बेस के ऊपर अगर हल्का सा
फिक्सिंग स्प्रे करके बेस को टैपिंग की जाए तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्टे करती है। तो अच्छा, इसके बाद सॉरी बात लंबी हो गई, मैंने पिंक ब्लश किया चीक्स पे और मैंने कंटूर किया लिक्विड, और उसके बाद मैंने लॉरा मर्सिया का मेरे पास पाउडर था, लूज पाउडर, मैंने वो यूज़ किया है। देन इसके बाद फिक्सिंग स्प्रे किया और उसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया। फिक्सिंग स्प्रे मैंने किया नेक्स का और अब यहाँ पे हमारा हाइलाइटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस मैंने हाइलाइटेड एरिया जैसे ब्रो बोन है उसको भी हाईलाइट किया और ये हमारी ऑलमोस्ट बहुत ही प्यारी सी लुक क्रिएट होगी। और सॉरी फॉर दैट कि मैं लिप शेपिंग कर रही होती हूँ तो वो मेरी वीडियोस समटाइम मिस हो जाती हैं। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह कि लिपस्टिक की क्लिप भी बीच में ऐड हो। और मैंने इनकी ब्रोज मॉडल की बहुत डार्क थी तो मैंने इतना ज़्यादा इनको शेप अप नहीं किया। इसके बाद था जी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो कि था हेयर स्टाइल का, और हमने किया, हमने बनाया स्लीक बन और फ्लावर सेटिंग की, और ये आपके सामने है कंप्लीट लुक जो कि बड़ी सॉफ्टर सी, ग्लोई सी, एलिगेंट सी लुक है। होपफुली आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मज़ीद नेक्स्ट जो सीखना है उसके लिए मुझे आपने बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।